एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक है, खुश रहे, हमेशा तंदुरुस्त रहे, मुस्कुराते रहे। अभी टाइम हुआ है 2 बज रहा है और मैंने खाना बना के रेडी कर दिया है। मतलब खाना में मैंने बना दिया मछली का झोल, दाल और तो आलू का सब्जी, यही बना दिया है। अभी मैं खाना खाऊँगी और आज मतलब हमारा घर में मेहमान आएगा, मेरा हस्बैंड का मतलब सासी आएगा और सासी का लड़का आएगा और बुआजी आएगा। बुआजी मतलब मेरे हस्बैंड का ही बुआजी है, वो लोग आएगा अभी। वो लोग जोहार से आके है, 2-3 दिन हो गया है। उसका बेटा है, वो उसका घर में है, आज हमारा घर में आएगा घूमने के लिए। और कितने देर मतलब 3-4 बजे आएगा, 4 या 5 बजे आ जाएगा, 4 बजे आएगा शायद। और आज आप लोग को भी मैं हो सका तो उन लोग से ऐसे ही ब्लॉग में डाल दूँगी, और हो सके तो और नहीं भी हो सकता है। और ठीक है, अभी मैं जल्दी खाना खा लूँ और मेहमान को क्या खिलाऊँगी। शाम को तो आएगा, नाश्ता टाइप कुछ बना दूँगी। ठीक है, अभी मैं बाद में मिलती हूँ आप लोग से। मेहमान आ गया है, मेहमान नहीं कोई, मेरा अपना ही है। छोले बनाया, आलू फ्राई किया, मिठाई और अंडा ऑमलेट किया, पूरी बनाया। वो लोग खा रही है नाश्ता, और आने के थोड़े देर बाद ही आइसक्रीम भी दे दिया था और थोड़ा थोड़ा ही खाया। उसको खांसी जुकाम जैसा है और वेदर की वजह से वो हो रहा है। और मैं मिठाई वगैरह को देर साफ कर रही हूँ और साथ साथ बात भी कर रही हूँ उन लोग से। और लक्की लगी हुई है पूरी बनाने में किचन में, और वो पूरी बना रही है। मैंने उससे भी बुला लिया था, तुम भी आ जाओ और थोड़ा मदद कर देना। और ये मेरा सहेली है और वो आया है, वो हमारा घर का जो नेवर का घर है उसका घर है, और ब्लॉग में उसका घर तो देखते ही है आप लोग। और वो काल भी चला जाएगा, वो इधर नहीं रहता है, वो दूसरा शहर में रहता है और हमारा वेकेशन है इसीलिए आया है बेटी के साथ ऐसे ही घूमने के लिए, छुट्टियां बनाने के लिए। और काल चला जाएगा और मैंने उसको ऐसे वो मुझे सहेली से भी ज़्यादा अपना है और मैं उसे बहुत अपना मानती हूँ और बहुत अच्छा है। अपना लोग मिलने से ज़्यादा ही बातें निकलते हैं, और हम अभी बैठ के पूरा बात कर रही हूँ और ऐसा लगता है बात ख़त्म ही नहीं होता है, निकलते ही रहता है। और अभी बात कर रही हूँ हम लोग। मैं बीच में बैठी हूँ, इस साइड में बुआजी है, एक साइड में सासी जी है, और इस साइड में ब्लू कलर शर्ट में देवर जी है और येलो कलर शर्ट में भी वो देवर जी है। अभी हम लिविंग रूम में बैठ के बात कर रही हूँ, मेरा सहेली चला गया है। वो लोग भी अभी शाम हो गया है, जाने के लिए बाहर आ गया है। मैं उसको बाहर तक छोड़ने के लिए आ गई हूँ और बार ख़त्म ही नहीं होता है, निकलते ही। मैं रात को ठहरने के लिए बोला था लेकिन वो लोग कल चला जाएगा इसीलिए बोला है नहीं, और कभी आऊँगा तो ठहर लूँगा ऐसे बोला। और मैं उसको बाय बाय करने के लिए रास्ते तक आ गया हूँ। अभी वो लोग जाएगा और आने से बहुत अच्छा लगता है, और जाने से अच्छा नहीं लगता है, ऐसा लगता है और रह जाए
और बातें करूं और ऐसा लगता है मैं उसको बाय बाय बोल दिया है, वो लोग चला गया है। और मेहमान जाने के बाद लोखी ने बोला, दीदी मैं अभी बर्तन को साफ़ कर दूंगी। और मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं कर लूँगी। इसने कोई नहीं दीदी मैं साफ कर दूंगा। अभी लोखी बर्तन को साफ कर रही है। अभी 7 बज रहा है, कुछ पल अपनों के साथ बिताने बहुत अच्छा लगा और लफ्जों में बयान नहीं कर सकती हूँ। और बहुत अच्छा लगा, जोरहाट से आया था सासी और मेरा दो देवर जी और बुआ जी आया था। मेरा सासी जी का दो लड़का ही है ये, और एक लड़का इधर ही है। एक दिन आया था ब्लॉग में, मैं आप लोग को साथ मिलाया था, मैंने दिखाया था ब्लॉग में, उसका घर में ही है। और वो लोग खाना नहीं खाया, मतलब नाश्ता वगैरह ही खा के चला गया। मैंने उसको बहुत रुका था आज हमारा घर में ही ठहर जाने के लिए, लेकिन कल वो लोग सब चला जाएगा इसलिए नहीं रुका और फिर चला गया। मैंने बोला था खाना खा के जाइए, लेकिन किसी और दूसरा घर में इनवाइट किया था जाने का था, इसलिए वो नहीं रुका। और बहुत अच्छा लगा उन लोग से आके, अब कितना साल बाद, मतलब हो गया 2-3 साल ही हो गया शायद वो लोग मतलब हमारा घर में नहीं आया सस्सी जी। और हो सका तो मैं तो हमारा तो घर ही है, ये तो घर में उसी में ज़्यादा मानती हूँ। हम लोग भी जब जाएगा ब्लॉग तो मैं ज़रूर बनाऊँगी हमारा जो पुराना बल्ले, मतलब जो घर है जोरहाट में। और बहुत अच्छा लगा आज, मतलब बहुत अच्छा। और साथ ही मेरा सहेली भी आ गया था और ब्लॉग में देखने के लिए मिल जाएगा और थोड़ी टाइम के लिए। कल आया था, कल मैं बाजार चला गया था इसलिए कल मतलब बैठने के लिए, मतलब बातें करने के लिए टाइम ही नहीं मिला। आज वो भी आया, उसके साथ भी थोड़ा टाइम ही बात किया क्योंकि वो कहीं पर जाने वाला था इसलिए थोड़ा नहीं रुका। कल वो भी चला जाएगा, वो भी इधर ही नहीं रहती है। हमारा ब्लॉग में उसका घर देखते ही रहते हैं। हमारा जो नेवर है वही उसका घर है। वो लोग हस्बैंड ने मतलब नौकरी करता है, मतलब असम में ही है, क्या बोलते हैं ये तिनसुकिया में, मतलब डिगबोई में रहते हैं वो लोग, इसीलिए मतलब कल चला जाएगा। अभी तो समरा वेकेशन है उसका बेटी का, इसीलिए आया था। अभी तो स्कूल शुरू हो जाएगा 1 तारीख से, इसलिए कल चला जाएगा वो लोग। और बहुत अच्छा लगा, मतलब बहुत शाम का ये, मतलब शाम मतलब का टाइम, ये टाइम बहुत अच्छा लगा और जल्दी ही चला गया ऐसा लगा। आज का छोटा सा ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करना चाहती हूँ। आज का ब्लॉग देख के आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर देना और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय बाय।